पन्ना जिले के शाहनगर में खाद की कालाबाजारी से गुस्साए किसानों ने प्रशासन के सामने शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब हजारों की तादाद में किसान खाद लेने पहुंचे तो विक्रेता द्वारा खाद का स्टॉक खत्म होना बताया गया, जिससे किसान भड़क गए। किसानों ने बताया कि वह सुबह से यहां पर भूखे प्यासे खड़े हैं और उन्हें खाद की जगह केवल आश्वासन मिल रहा है। मामले पर नायब तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों से बात कर 5 दिनों में खाद उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे किसान काफी रोष में आ गए और किसानों ने चक्का जाम करने की बात कही। वहीं किसानों द्वारा स्वयं को जनहितैषी सरकार बताने वाली बीजेपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आनन फानन में कलेक्टर पन्ना के हस्तक्षेप और SDM पन्ना के निर्देशन पर कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने संभावित कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के ठिकानों पर छापामारी कर किसानों को आश्वस्त किया कि सोमवार या मंगलवार तक खाद की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। शाहनगर से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। वितरण केंद्र पे आई खाद वितरण केंद्र पे आई 200 टन खातू। आज कल शाम तक खातू थी, शाम के बाद रात को खातू ब्लैक कर ली गई इन्हों के विक्रेताओं द्वारा। अब कह रहे कोई खातू नहीं है और अभी आप मार्केट चले जाइए, वही खातू 275 की आपको 450-500 रुपए में खातू मिल रही है मार्केट में। किसकी मिली भगत समझ में आ रही है? मिली भगत यहाँ राइस मिल वालों विक्रेताओं की है और अधिकारियों की है। अगर फर्जी राशन कार्ड आधार कार्ड लगाकर जो भूमिहीन लोगों के आधार कार्ड लगाते हैं और पूरे किसान परेशान है। पूरे दुकानदारों के पास अभी खातू पर्याप्त मात्रा में है और राइस मिल में खातू नहीं है। अभी देखिए आप अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? अधिकारी कह रहे हैं कि साहब जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और श्रीमान जी से निवेदन है कि हम लोगों को खातू प्रदान की जाए, अगर खातू प्रदान नहीं होती